सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली ना एडवोकेट अने फाइट फॉर योर राइट संस्थाना एक्टिविस्ट सुश्री कीर्ति आहुजा नी पत्रकार परिषद राखवामां आवी। पत्रकार परिषद में एडवोकेट कीर्ति आहुजा द्वारा भारतीय बंधारण अने मानव अधिकारों में असरमची बापूना कोर्ट केस में मळवापात्र हक हिस्सा विषय चर्चा करी छे। भारतीय बंधारण अने मानव अधिकारों विषय जनजागृति माटे विस्तृत जानकारी पण आपवामां आवी छे। अखिल गुजरात आसाराम साधक संगठन सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली ना एडवोकेट फाइट फॉर योर राइट संस्थाना एक्टिविस्ट कृति आहुजाना अध्यक्ष स्थाने एक पत्रकार परिषदनुं आयोजन थयुं हतुं। पत्रकार परिषदमां छेल्ला 11 वर्षथी जोधपुर जेलमां कारावास भोगवी रहेला संत श्री आसाराम बापूना कोर्ट केस तेमज तेमनी सामे वधेली फरियादो विशे विस्तृत जानकारी आपवामां आवी हती। साथे साथे भारतीय बंधारण मानव अधिकारों मुजब कोईपण सजा भोगवी रहेला कैदीओने कया कया हक्को प्राप्त थाय તે વિશે પણ કાયદાકીય ભાષામાં વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી। पत्रकार परिषद में कृति आहुजाए विगत आपता जणाव्युं हतुं। राजस्थान अने गुजरात केस में संत श्री आसाराम बापू ने जिला न्यायालयोए पण चुकादो आप्या छे। चुकादाओने झीणवटपूर्वक अभ्यास कर्यो छे। जिल्लाना न्यायालयोना चुकादाओ सामे हाईकोर्ट अने त्यारबाद सुप्रीम कोर्टमां अपील करवानो हक छे। सुचारू उपयोग करी तमाम बाबतोना साचा आधार पुरावा साक्षीओना निवेदनना अपीलना सामे कोर्टमां रजू करवाथी न्यायालयो जरूर ध्यान पर लेता होय छे। वधुमां तेवुं पण जणाव्युं हतुं। मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहुजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद, जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉबेबल है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हाईकोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही है तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाए जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो जरूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए। न्यायपालिका पर सवाल होते? न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहां पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाईकोर्ट देखेगी, हाईकोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहां पर गलती कर देगी तो हाईकोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाईकोर्ट सुधारेगी, हाईकोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो S9 न्यूज साथ।